हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का लास्ट दिन और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं को पूरा करे। जय माता दी। आज है नवमी, तो हम आज पूजते हैं कन्याओं को। और आज हम बहुत मतलब पूड़ी वगैरह पूड़ी प्रसाद बनाएंगे, तो आप देखना आगे मेरे ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और ये है मेरा आज का लुक। चने सीटी लगाने के लिए रखेंगे। ये हम रोज़ेस लाए थे माता रानी को चढ़ाने के लिए और सारी कन्याओं को दे दिया हमने। ये लास्ट में एक लेने के लिए आई तो सबने मांगा और सब लेके चले गए ये सब, और सबके लिए एक एक हो गया। ये बहुत ही अच्छे खिले खिले फ्लावर्स है जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखिए, ये है हमारा मंदिर प्यारा सा। यहाँ पे है कृष्ण जी, हनुमान जी, माता रानी, सारी माता रानी आए हैं हमारे मंदिर में। ये हमने प्रसाद चढ़ाया था भगवान जी को। ये कृष्ण जी और राधा रानी की मूर्ति है यहाँ पे, और ये हमारा प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पे मम्मी ने सुबह ही पूजा कर लिया था और यहाँ पे श्रृंगार भी चढ़ाया हुआ है। यहाँ हमारा हलवा रेडी हो रहा है ये पूड़ी के लिए। ये है आलू, आलू बन मिल रहा है। और ये है खीर। हमारी पूरी रेडी हो रही है और ये चना, नहीं है, गए पापा किचन में। पापा ये हम लाए थे मार्केट से सबको देने के लिए, सारी कन्याओं को देने के लिए। इसी में हमने पूरी और बाकी सारे प्रसाद डाल के दिया था उन्हें। और यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही थी सबको और लाइन से बैठने के लिए बोल रही थी। ये सबसे छोटी कन्या से हमने स्टार्ट किया था। कितनी क्यूटी लग रही होगी। ओ अच्छा, आज हम किसकी बारी है? साइड हो जा बेटा, छोटी है।
तो बहुत अच्छा दिया। ये हमारे सबके लिए हमने भोग लगा दिया था। भोग इसमें था पूड़ी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, प्याज और नारियल। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा दक्षिणा भी डाल दिया था सबके लिए। और ये हमारी रेडी हो गई थी बनके। ये मम्मी यहाँ पे दे रही है अब सबको। ये हमारे लिए भगवती का प्रसाद आया था। भदरपुर में एक जगह जागरण था तो किसी ने भिजवाया था हमारे लिए। बहुत ही अच्छा था ये प्रसाद भी। और ये है हमारे घर का खाना। और ये हमने प्रसाद जो चढ़ाया था माता रानी को वो था थोड़ा थोड़ा। और बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।